एवं मे सुतम एकम सम्यम भगवा सावत्यम फिरति जेतवने अनाथ पिंडिकासा अरामे। एक बार मैंने सुना, एक समय भगवान सावत्री में विहार कर रहे थे जेतवन में अनाथ पिंडिका की मोनेस्ट्री में। तेन को पंच समयेन राजा पसंदी होसला मलिकाया देविया सत्यम पार ऊपरी पासाद वर्ग द्वारा लगती है। ऊपर के शायद मतलब महल में थे होती उस समय। तेन कोपन का मतलब उस समय राजा पसंदी कौशल का कौशल कौशल का राजा प्रसन्नजीत, हिंदी में वो प्रसन्नजीत कहते हैं, वैसे उपासा नेडी कहते हैं। मल्लिका है देविया, देवी मल्लिका मतलब क्वीन जो थी, क्वीन का नाम था मल्लिका। सद्यम उसके साथ ऊपरी पासाद वर्गत हो ऊपर के महल में होती थे, ऊपर के महल में रानी के साथ गए थे। अथ को राजा वासेनती कोसलो मलिकम देवीम एतद वचा। तो राजा प्रसन्नजीत ने देवी मल्लिका से ये कहा, हिंदी में तो यह इंग्लिश में उसको क्वीन कर दिया। अति मूख होते मलिके कोचनो अतना यतारो। तो मल्लिका कोई कौन ऐसा है कोई जो तुमको अपने आप से ज्यादा प्रिय है, अतना पियतरो अपने आप से ज्यादा प्रिय है कोई है, अति मूख होते कोई है क्या यहाँ। तो शी गिव्स द रिप्लाई, आप पढ़िए। नक्की भूमि महाराज भोजन में अतना प्रिय करोगे, नहीं महाराज मुझे कोई अपने से ज्यादा प्यारा है। प्रियम पंत महाराज आपके बारे में क्या है महाराज, अतन जो खोजी अतना प्रिय है, क्या कोई आपको अपने से ना कोई प्रिय है अपने से ज्यादा प्रिय है। मैं भी को की मुझे भी ये मल्लिका अपने से ज्यादा कोई प्यारा नहीं थे। राजा पसंद कौशलो आसदा ओरोद्वा ये न भगवत ये न भगवान संगे। नीचे उतर के पासाद मतलब पासाद का मतलब होता है ना प्रसाद, प्रसाद जो कहते थे महल, पासाद मीन्स महल पैलेस। नीचे उतर के और रोहित वहां तो नीचे उतर गए। So then having gotten down you went to भगवान उपसंगतमी भगवान के पास गए, जहां भगवान थे वहां गए। And the usual thing उपसंगतमी हुआ भगवान का अभिवादित हुआ एक अनंतम दसित्ति वहां पहुंचकर भगवान का अभिवादन किया और एक तरफ बैठ गए। एक तरफ बैठे हुए राजा प्रसन्न जी ने भगवान को ये कहा, मल्लिकाए देविया सत्यम उपरी पासादवारा गतो मल्लिकम देवीम। जस्ट रिपीटिंग द सेम सेंटेंसेस, जो हुआ वो पूरा वही सेंटेंसेस आप देखें, एग्जैक्टली सेम दे आर बीइंग रिपीटेड। देन आई हैड गॉन जस्ट नाउ व्हेन आई हैड गॉन विद क्वीन टू द अपर पैलेस आई सेड टू हर मल्लिका इज देयर एनीवन डियर टू यू
than yourself. She said to me, no great king, there is no one dearer to me. And what about you? Is there anyone dearer to you? And this was said, I said to her, no Mallika, there is no one dearer to me than myself. So this is just repeating the whole story, whatever happened. अतो भगवान एतमत्थम विदित्वा कार्यम वेलायम इमं प्रदानम प्रदामेसि। तब भगवान ने इसका अर्थ समझ के, इस बात का सिग्निफिकेंस समझते हुए उस समय इमं उदानम प्रदामेसि, ये उदान कहा। तो सिग्निफिकेंस का पालन क्या है उसने? एतम अत्थम, इसका अर्थ, इस बात का, इस परिस्थिति का अर्थ समझते हुए, विदित्व मतलब समझते हुए। सबदुसा अनुपारिगमा चेतसा, from in all directions, चेतसा तो खैर ठीक है। चित्त को अनुपरिगमा मतलब घुमाते देखते हुए, on traversing, केवल पाते वो कलर में, on traversing the चित्ता, that is on scanning the whole side directions, कोई भी अच्छा का मतलब मुझसे प्रियतर नहीं है। नो वन फाइंड्स नो वन डियरर देन वन सेल्फ। इसी तरह से दूसरे लोग भी परेशान, मतलब दूसरे लोग भी अपने को प्रिय मानते हैं। They also take that they are themselves dear to them. इसलिए हिंसा ना करें। जो अपने को प्रिय मानता है, जिसको अपना आप प्रिय है, उसको फिर दूसरों को भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। Basically thinking that what I like they also like, so I should not do. What I want others should not do to me, I should also not do. Next is the 5.2. Appayukta Suttam. Appayukta is a short lived. Evam me sutam, ekam samayam bhagava, savatthiyam viharati, jetvani anatha pindakasya aarane. ऐसा मैंने सुना, एक वक्त एक समय भगवान सावत्थी में अनाथ पिंडक के आराम में विहार कर रहे थे। अथ को आयस्मा आनंदो सायं समयं, सायं समयं परिसल्लना उठितो येन भगवा तेन उपसंगमी। उस समय आयुष्मान आनंद शाम के वक्त अपनी अकेले अकेले जो ध्यान से उठकर जहां भगवान थे वहां पहुंचे। उपसंगमित्वा भगवंतं अभिवादेत्वा एकमंतं एकंगंतं निसीदी, और वहां भगवान को, भगवान का आदर करके करने के बाद एक एक तरफ बैठ के एकंगंतं निसिन्नो को आयस्मा आनंदो भगवंतं एतद्वोच। एक एक तरफ बैठे आयुष्मान आनंद ने भगवान को ऐसा कहा, आश्चर्यं बन्ते अभुतं, आश्चर्यजनक है बन्ते अद्भुत है ये अद्भुतं बन्ते याव याव अप आयुका ही बन्ते ये भगवतो माता अहोसी। ये अद्भुत है मनते कि भगवान की माता इतनी कम आयु की है। अप आयु का है ना, अप मतलब अल्प अल्प आयु है, आयु इतनी कम उम्र। सत्ता जाते भगवती भगवतो माता कालं अकाशी। भगवान के एक हफ्ते, जन्म के एक हफ्ते के बाद ही भगवान की माता मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो सितं कायं उपज्जी, और
कुशित लोक में दोबारा जन्म हुआ एवं एतन आनंद अप आयु का ही आनंद बोधि सत्तं मातरो होती। अच्छा ऐसा ही है बोधि सत्त की माता कम उम्र की ही होती है। सत्ता जातेसु बोधि सत्तेसु बोधि सत्त मातरो कालं कालं करोति। तो बोधि सत्त के बर्थ के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही बोधि सत्त की माता माताओं का मृत्यु हो जाती है। तुषितम कायम उपजति और दोबारा तुषित देवलोक में उत्पन्न होती है। अथ को भगवा एतं अर्थं विदित्वा तायं वेलायं इमं उदानं उदानेसि। तब भगवान ने इसका अर्थ जानते हुए बताते हुए उस वक्त इस ऐसा उदान बोला। ये केचि भूता भविष्यन्ति एवापि सब्बे गमिष्यन्ति पहाय देहं तं सब्ब जानं कुशलो विदित्वा आतापियो ब्रह्मचर्य चर्य। ये केचि भूता जो भी प्राणी है भविष्यन्ति वो होंगे वा ये वापी जो पैदा हुए हैं या भविष्य में पैदा होंगे सब्बे गमिष्यन्ति पहाय देहं उन सबको देह को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तम सब्ब जानं कुशलो विदित्वा और इसको कि जब ठीक तरह से समझते हुए जानते हुए कि आता पियो ब्रह्मचर्यम चर्य जो किसी को ब्रह्मचर्य का आतापी बन के उसका ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना चाहिए। हम शुड लीड अ होली लाइफ विद फुल फर्वर विद आर्डेंटली ट्रांसलेट। सो दैट हैज बीन यूज्ड एज अ मींस टू रेज raise the urgency. General sense of urgency.